जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। आज बात करेंगे मेडिकल पॉइंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, हाथों में पसीना आने वाली। तो दोस्तों मैं कुछ एक चीजें आपको बताऊंगा, उनको अगर आप कंटिन्यू करते हैं या भर्ती के दौरान करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम पसीना हाथों में आने वाली दूर हो जाएगी। और मेडिकल के अंदर किस प्रकार से बचना है पसीना आता है तो उसके बारे में मैं कुछ आपको लगाने के लिए बताऊंगा, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको लगाना है। पहले मैं बताया था किस प्रकार से चेक होता है और क्या क्या करते हैं और वहां क्या सावधानी रखनी है जिससे आपके हाथों में अगर पसीना आ रहा है तो उससे आप बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से मेडिकल होता है हाथों का जिसमें पसीना चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको बोलेंगे हाथ सामने कर लो, हाथ सामने कर लो और इस प्रकार से मुट्ठी बंद करने के लिए बोलेंगे। मुट्ठी बंद करके आपको 20 से 30 सेकंड रखने के लिए अगर बोलता है और उसके बाद अगर खोलने के लिए बोलता है खोलिए। खोलने के बाद अगर इस प्रकार से देखता है वो, अगर आपके हथेली के बीच में या आपके कहीं भी पसीना अगर आ रहा है तो आपको उनको चमक दूर से दिखाई दे जाती है तो आपको क्या करेगा, फिर उसमें फेल कर देगा या इमेज दे देगा भाई हाथों में पसीना आ रहा है, ठीक है टाउन को। तो इस प्रकार से अगर आप जाते हैं तो अब इससे कैसे बचे जाए मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से बचना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके बाद एक चीज और करवाते हैं, अगर उनको डाउट लग रहा है तो क्या करते हैं, फिर दोबारा हाथ करो, मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको क्या बोलेंगे, इसके अंदर फूंक मारो, ऐसे फूंक मारो, ऐसे फूंक मारने के लिए बोलते हैं, फिर खोलने के लिए बोलते हैं। खोलने के बाद अगर उनको पसीना दूर से ही चमक जाता है, वो पहले से ही देख लेते हैं दूर से कहां पर इसके पसीना आ रहा है। तो दोस्त ये तरीका आपको अगर आपने किया तो आपके हाथों में पसीना आएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। तो मैं बताता हूं आपको इसको कैसे बचाव करना है। सबसे पहले तो आपको मुट्ठी किस प्रकार से बंद करनी है और किस प्रकार से फूंक मारना है वो सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको क्या करना है, इस प्रकार से अगर आपको हाथ कर दिया है, हाथ करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से मुट्ठी बंद करना है तो कहां लेना है आपको, उंगलियां देख लीजिए, उंगलियां कहां लेनी है, फर्स्ट फोल्ड यहां लेना आपको, जहां उंगलियां स्टार्ट हो रही है वहीं खत्म होना चाहिए, दूसरा फोल्ड यहां आना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए। करने के बाद में इसको फूंक मारना है, इसके अंदर नहीं जाएगी हवा, आपके यहां तक हवा नहीं जाएगी, वो क्या होगी, वो साइड से आउट हो जाएगी। अगर हवा नहीं जाएगी, भाप मुंह जो द्वारा आती है वो भाप जैसे आती है, अगर भाप जैसे आएगी तो आप कभी शीशे के ऊपर ऐसे करके देखना, शीशे के ऊपर आपकी भाप जैसी बन जाएगी और आपको कुछ नहीं दिखा, धुंधला हो जाएगा शीशा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको मुट्ठी को यहाँ एक फोल्ड करना है, उंगलियों तक जहां से उंगलियां स्टार्ट हो रही है, और दूसरा फोल्ड वहां करना है, उसके बाद फूंक मारिए, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पसीना नहीं आएगा, आपकी 50% जो आपका चांसेस है पसीना आने का वो दूर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था वीडियो के अंदर, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आपको क्या लगाना है जिससे आपका पसीना नहीं आए, तो उससे बचाओ। ये चोरी करना, आपको चोरी किस प्रकार से करनी है वो भी आप जान लीजिए। आपको बताया तंबाकू में डालने वाला चूना होता है, चूना पसीने का एंटी है, मतलब आपका पसीना नहीं आने देगा चूना। तो क्या करना है, हल्का सा चूना आप लेके जाए हाथ में, चाहे आप कहीं भी लगा के ले जाए, यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, कहीं भी आप चूने की एक हल्की सी हो चाहे यहां फंसा के लगा के ले जाइए, ले जाना है। ले जाने के बाद में क्या है, जब आपका होता है तो कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले आप क्या करना है, उसको हल्का चूने को थोड़ा गीला रहेगा तो उसको क्या करना है, बढ़िया तरीके से आपको हथेली में लगाने के बाद में मसल लेना है, बढ़िया तरीके से मसलने के बाद में उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ वाइट, हाँ धूल जैसा होगा आपका चल जाएगा, जैसे इन लड़कों का हाथ, अभी इन्होंने एक्सरसाइज करी है, एक्सरसाइज करी जिनका क्या है धूल जैसा लग रहा है, अभी धूल जैसा आपका, आपने वहां पे भी आपको एक्सरसाइज करनी है या आपको बैंड मरवाते हैं या कुछ करवाते हैं वहां पे, तो आपको क्या है इस प्रकार से आपका हाथ रहेगा। वहां हल्का चूना लगाने के बाद, ज्यादा मत लगाना ताकि कहीं दिखाई दे, आपको हल्का लगाना, हल्का लगाने के बाद उसको मसल लेना, मसलने के बाद आपको अगर कुछ भी कराए, चाहे फूंक मरो चाहे कुछ भी करो, आपका पसीना कभी नहीं आएगा। तो दोस्त ये थी आपका बहुत छोटा वीडियो जिसके द्वारा मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से करना है और आपका जो पसीना आने वाली प्रॉब्लम इस प्रकार से दूर हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद।